हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडे करंट अपडेट में। दोस्तों, एसएससी जीटी 2018 प्रोटेस्ट एक और कामयाबी छू रहा है। आपको बता दूं कि राकेश जी टिकैत साहब, जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहे किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी एसएससी जीटी 2018 मेडिकल फिट युवाओं को न्याय दिलाएंगे। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि एसएससी जीडी 2018 प्रोटेस्ट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उनको टिकैत साहब ही लीड कर रहे हैं। उनकी बदौलत ही यह आंदोलन सफल होगा। आज एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट्स टिकैत साहब से मिले और अपनी समस्याएं उन्हें बताई, तो इस पर टिकैत साहब काफ़ी गंभीर हो गए और यह भरोसा दिलाया कि सरकार के साथ होने वाली अगली मीटिंग में एसएससी जीडी 2018 के युवाओं का मुद्दा भी सामने रखेंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी हल्ला बोल टीम के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है कि आज राकेश जी टिकैत अपनी एसएससी जीडी युवाओं की आवाज सरकार के साथ होने वाली अगली मीटिंग में रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है सभी युवाओं के लिए। एक बहुत बड़ा ये रास्ता खुला है कि हो सकता है कि राकेश जी टिकैत साहब के प्रयासों से एसएससी जीडी युवाओं को इसका न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आपके प्रोटेस्ट को सफल बनाना है तो आप सभी एसएससी जीडी 2018 के जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा और यूनिटी बनाकर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी सरकार इस पर संज्ञान लेगी और उन्हें इस पर अमल करना होगा और एसएससी जीडी मेडिकल फिट के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको न्याय देना होगा। तो दोस्तों, अब तो उठो, जागो और आगे आओ अपने हक के लिए लड़ने के लिए। दिल्ली में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अपने अपने ग्रुप बनाकर अलग अलग जगह लगातार मेहनत करके इस एसएससी जीडी 2018 के प्रोटेस्ट को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सभी 200-300 स्टूडेंट जो कि दिल्ली में है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को ज्ञापन देकर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और संसद में भी इस मुद्दे को उठाने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आप दिल्ली अपने हक के लिए लड़ने कब पहुंच रहे हो। यदि आप यूनिटी बनाकर दिल्ली की ओर कूच करोगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा जो सभी एसएससी जीडी युवाओं को ज्वाइनिंग दिला सकता है। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि हमारे प्रयास सफल रहेंगे तो हो सकता है ज्वाइनिंग ही ना सही, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान निकल आए। जितने भी पद खाली रह गए उन सभी पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, ताकि कम से कम 15,000 से 20,000 के आसपास और नए स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाए। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, ये आखिरी प्रयास करो, एक बार दिल्ली पहुंचो और सभी युवाओं का साथ दो अपने हक के लिए लड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।